जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आशुतोष। दोस्तों एसएससी जीडी का मेन सबसे ज़्यादा ये है कि बहुत सारे मैसेज ये आ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, पेपर कौन सी डेट में पेपर टफ आया था। और फ्रेंड्स एक ये भी है कि अगर आपके 40 नंबर आए हैं तो क्या आपके 60 नंबर आ सकते हैं, 50 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जो जो डाउट है आप लोगों के, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, अंत तक देखना, सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है ये कि सर कौन से, अगर हमने ज़्यादा गलती की है, अगर हमने गलतियां ज़्यादा की हैं तो क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होगा। ऐसा भी एक बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग के मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ इतने सारे मैसेज होने के कारण। फ्रेंड्स एक बात मैं बता रहा हूँ कि आप शुरू के 15 से 20 मिनट वीडियो बनाने के बाद जितने अपने डाउट्स हैं आप ज़रूर बताया करें, उस टाइम मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई सभी का देने का। फिर इसके बाद मुझे और फिर इसके बाद टाइम नहीं रह पाता क्योंकि इतने सारे मैसेज हो जाते हैं लगातार, बल्क में इतने सारे मैसेज आ जाते हैं कि देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनका मैं डाउट, जिनका 3 से 4 बार मैसेज कर रखे ये नहीं पता चल पाता, तो आप ऐसा करिए, आप मेरे को कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में जाकर एक दो मैंने मैसेज कम्युनिटी में जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ मैं एक बार ज़रूर देखता हूँ, वहाँ एक बार रिप्लाई देने की सारी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सारे जो डाउट हैं आपके। तो पहला सबसे बड़ा डाउट ये है फ्रेंड्स, बार बार ये इस समय डाउट आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, तो एक एक बारीकी से मैं समझाऊंगा। फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन होता है जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट होता है, सेकंड शिफ्ट होता है, थर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स होता क्या है ये कि आपका मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आसान आया था तो इसका 80 मार्क्स किस एक ऑन एवरेज 80 मार्क्स लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में फ्रेंड्स क्या होता है कि ऑन एवरेज 60 मार्क्स आ रहे हैं, और थर्ड शिफ्ट में ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स ऑन एवरेज 70 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन शिफ्ट ऐसे पेपर होते हैं। अब क्या है, ये लोग एवरेज निकालते हैं, कैलकुलेशन होता है नॉर्मलाइजेशन का, ओवरऑल स्टूडेंट का होता है और जो हाईएस्ट जो नंबर लाता है उसी के हिसाब से सारा कैलकुलेशन होता है, एक फार्मूला भी दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स बढ़ता है। ठीक है, तो अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जिनका 80 नंबर आ रहा है, जिनका 60 आ रहा है, जिनका 70 आ रहा है, तो जिनका 80 आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब जिनका 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो इस शिफ्टों में टफ आया था। फिर ये लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर ये लोग ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, ये लोग ऐसा करेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में 80 आया था, जो सेकंड शिफ्ट में 60 आया था और जो थर्ड शिफ्ट में 70 आया था, तो ये लोग क्या कोशिश करेंगे, इस शिफ्ट वाले को 20 नंबर का इंक्रीमेंट करेंगे और इस शिफ्ट वाले को क्या करेंगे, 10 नंबर का इंक्रीमेंट करेंगे। अब क्या होगा, ओवरऑल आपका शिफ्ट क्या हो गया, ओवरऑल जो आपका शिफ्ट होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये होता है फ्रेंड्स, एक कंडीशन नॉर्मलाइजेशन का ये होता है। दूसरा कंडीशन बताता हूँ फ्रेंड्स आपको, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का, मान लीजिए कि 15 फरवरी वालों का सारे शिफ्टों का जो पर ओवरऑल मार्क्स बन रहा है वो 80 बन रहा है। ठीक है, और 18 मार्च वालों का, मान लीजिए 10 मार्च वालों का जो ओवरऑल मार्क्स बन रहा है वो 70 बन रहा है सभी शिफ्टों का मिला के, फिर क्या होगा, इन शिफ्टों वालों को भी, सभी शिफ्टों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को 10-10 मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा। एक कंडीशन ये होता है नंबर बढ़ने का। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो आपके होते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये होता कैसे है फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है, फार्मूला अगर मैं बोलूँगा तो काफ़ी टाइम ले लेगा, वो फार्मूला जो होता है उसी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लोगों की रहता है कि सर अगर मेरे 90 आए हैं 100 में से तो क्या मेरे 105 हो सकते हैं, मैं कहता हूँ हो सकते हैं। अभी इस बात को मेरे को बहुत लोग को डाउट लग रहा होगा कि सर ये ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है, ग्रुप डी रेलवे का ये इस रेलवे में 100 में से लोगों के 130-130 मार्क्स आए फ्रेंड्स, रियल बात ये है। और इस ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी मतलब नेशनल न्यूज़ में छाया हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 नंबर में 130 नंबर बढ़ रहे हैं। तब फिर रेलवे वालों ने हम समझाया था कि
उस शिफ्ट में लोगों के 90% आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं 100 में से, लेकिन कैलकुलेशन में उनके नंबर बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि उनका शिफ्ट टफ आया था, तब 130 हो गया। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हुआ है तब मैं बोल रहा हूँ, इसमें होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता, ये एसएससी वाले जब रिजल्ट आपको 31 का आएगा उसी दिन पता चलेगा। अब फ्रेंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका ऑब्जेक्शन हुआ था, ऑब्जेक्शन के मार्क्स कैसे आएंगे, दोबारा आंसर की आएगी, दोबारा आंसर की नहीं आएगी, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया था वो 31 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसी के साथ ही मिलाकर ओवरऑल बनेगा। दूसरा चीज़ ये है, लोग के डाउट ये रहते कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ेगा वो कब आएगा, कब पता चलेगा, तो फ्रेंड्स वो पता कैसे चलेगा मैं लास्ट में प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, कैसे इस लोगों के मार्क्स बढ़े थे 10-15 नंबर, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है, एक रॉ मार्क्स होता है, ठीक है, रॉ मार्क्स भी आपका 31 तारीख को आएगा और नॉर्मलाइजेशन भी आएगा। मान लीजिए रॉ मार्क्स आपके 50 आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के आपके 60 हो जाएंगे, तो दोनों मार्क्स लिखे होंगे, रॉ मार्क्स जो आपका आंसर की वाला होता है, रॉ मार्क्स वो होता है जो आपका आंसर की होता है, और नॉर्मलाइजेशन जो आपके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोगों के बार बार डाउट हो रहे हैं कि कौन से शिफ्ट वालों को फायदा होगा। फ्रेंड्स कौन से शिफ्ट वाले को फायदा होगा, पहली बात ये है कि ये एसएससी डिसाइड करेगा, ठीक है, एसएससी डिसाइड करेगा। हाँ ये हो सकता है कि आपने अच्छी स्टडी की है तो आपको उस पेपर का लेवल पता है कि ये मेरा पेपर जो है पिछले शिफ्ट में पेपर आसान आया था, मेरे शिफ्ट में पेपर मुझे टफ लग रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ मेरा पेपर टफ आया है तो कहीं ना कहीं मेरे नंबर गारंटी है, अगर आपका पेपर टफ आया है तो गारंटी है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि अगर आपका, अगर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप के नंबर जो हैं वो कम आ रहे हैं इसका मतलब कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, अब पेपर टफ आया था, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे हर शिफ्ट में ऐसे होंगे, हर एग्जाम में होंगे कि जो बिन पढ़ के गया होगा और उसके नंबर कम आ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके कम नंबर आए तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि क्या सभी को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है, सभी को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनका पेपर क्या आया था, हार्ड आया था, जिनका पेपर हार्ड आया था, आप भी हो सकते हैं उनमें से, कोई और भी हो सकता है, मतलब कि ये जाना जाए कि 100 लोग हैं तो 100 लोगों में मुझे जहाँ तक लग रहा है 20 लोगों का नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें से आप भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, सभी के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि कौन से शिफ्ट वालों को फ़ायदा होगा और कौन से एग्ज़ाम का फ़ायदा होगा, तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ, ज़्यादातर जो होता है वो सेकेंड शिफ्ट वाला जो होता है उसका पेपर थोड़ा टफ आता है, पहला कंडीशन ये है, सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर देखा जाता है कि ज़्यादा टफ आता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये है कि फ्रेंड्स आपका जो है 15 दिन बाद जो पेपर हुए थे फ्रेंड्स, उनके बाद क्या हुआ था कि उन शिफ्टों का थोड़ा काफ़ी हर शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में पेपर टफ आना चालू हो गया था, मतलब कि आपके एग्ज़ाम के 15 दिन बाद, मतलब 26-27 के बाद जिनका पेपर हुआ था मार्च में, उनके पेपर के नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये कौन से शिफ्ट हैं ये सिर्फ आप ही डिसाइड करते हो, जब जिस टाइम पेपर हुआ था उस टाइम काफ़ी लोगों ने मैसेज दिए थे कि सर मेरा पेपर टफ था, मैंने भी कुछ एनालिसिस किया था तो कुछ मैंने डेटा शायद पहले बताए भी थे, लेकिन इतने एनालिसिस नहीं हो पाते कि क्योंकि सब मैसेज में नहीं बता पाते, जो पेपर देकर आता है अगर उससे पेपर बनता है तो वो आसान बोलता है, जिससे नहीं बनता तो टफ बोलता है, तो किसी की बातों का विश्वास नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, अब ये आप समझ गए हैं कि आपके 15 दिन बाद अगर पेपर हुआ है, आपको लगता है पेपर टफ है, तो 30 तक इंतज़ार करिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपका पेपर टफ था आपको खुद पता होगा तो आपके पेपर के मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि क्या एक्यूरेसी मैटर करता है। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्यूरेसी मतलब ये होता है कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपने किए, ठीक है, और आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, 30 क्वेश्चन आपके गलत हैं और 70 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन गलत हैं, तो क्या हमने इतनी सारी गलतियां की हैं तो क्या हमारे मार्क्स कम होंगे, क्या हमारे मार्क्स कम होंगे, ये इसका मतलब होता है, क्या हमारे मार्क्स कम होंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो पेपर था ये आपका निगेटिव नहीं था,
निगेटिव मार्क्स नहीं था, मतलब गलत होने के क्वेश्चन के मार्क्स डिडक्ट होना नहीं था, ठीक है, डिडक्ट नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि निगेटिव मार्क जो हुआ था आपका नहीं हुआ था। तो अब क्या है, अगर आपका निगेटिव मार्क नहीं हुआ था तो आपके एक्यूरेसी मैटर नहीं करता, आप कितनी भी गलती, आप 40 गलतियाँ करो, 50 गलती करो, ना आपके नंबर बढ़ेंगे ना आपके नंबर एक्यूरेसी के मिलेंगे कि 100 में से 100 को 90 करके आए तो हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, नहीं ना। मार्क्स आपके किसके मिलेंगे, मार्क्स सिर्फ आपका पेपर अगर टफ है, पेपर टफ है तभी आपके मार्क्स मिलेंगे, एक्यूरेसी के मार्क्स ना घटेंगे ना कम होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लास्ट में ये कुछ क्वेश्चन है कि फिजिकल कब होगा। तो फिजिकल की फ्रेंड्स आपको पता है 31 तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कम से कम डेढ़ मंथ लगेंगे आपकी फिजिकल के, मतलब कि 15 जो है जुलाई से लगभग आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, 15 जुलाई से आपका जो फिजिकल है फ्रेंड्स वो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यही डेट लगभग फिक्स है, तो इस बात को आप ध्यान रखें, उसी के आसपास ही होगा एग्जैक्ट डेट, ऑफिशियली नोटिस में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन अनुमान से अभी तक जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे ग्रुप ड्यूटी में, वहाँ डेढ़ से दो मंथ लग गए थे फिजिकल में, तो उसी के अकॉर्डिंग बताया, उसी के अकॉर्डिंग मैं समझ सकता हूँ कि इतना ही आएगा, ठीक है। अब मेन चीज़ है रनिंग कैसे स्टार्ट करें। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सर अगर हमारे नंबर आ रहे हैं तो रनिंग कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। कुछ बोलते हैं जो लोगों के मैसेज आते हैं कि सुबह हम जाते हैं, हमसे 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद क्या हो जाता है, हम थक जाते हैं, क्या है, थक जाते हैं, एक तो गर्मी भी बहुत है सुबह सुबह तो हम थक जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा कि जब भी आप रनिंग करें फ्रेंड्स तो सुबह सुबह करें, 5 बजे से स्टार्ट कर दें, क्यों, उस टाइम मौसम भी ठंडा रहता है और उस टाइम क्या है सुबह सुबह उठने में थोड़ा, ठीक है, तो उस टाइम क्या है कि आपके थोड़ा भाग भी सकते हैं ज़्यादा, फिर थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, सुबह सुबह आलस भी नहीं लगता। तो उठने के बाद अगर आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, अगर आपको नौकरी चाहिए, ये दिमाग में अगर पैसा है कि मुझे नौकरी चाहिए, एसएससी जीडी में जाना है, मुझे एनआईए में जाना है, मुझे सीआईएसएफ में जाना है, तो फिर आपको अपने आप उठ जाएंगे, कोई कहेगा भी नहीं, और आपके दिमाग में सिर्फ यही रहेगा कि मुझे रनिंग करना है तो रनिंग करना है, ऑटोमेटिक आप खुद जग जाओगे, ना कोई अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि आप रनिंग कैसे स्टार्ट करें, यही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है कि आप रनिंग कैसे स्टार्ट करें। फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँ, अगर अभी तक रनिंग नहीं किए तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप डेली जैसे पहले दिन स्टार्ट करिए, पहले दिन आधा हाफ किलोमीटर दौड़िए, अगले दिन भी हाफ किलोमीटर दौड़िए, दो दिन करके, तीसरे दिन 1 किलोमीटर दौड़िए, ठीक है, चौथे दिन आप 1 किलोमीटर दौड़िए, ठीक है, अब क्या है पांचवे दिन आप 1.5 किलोमीटर दौड़िए, छठे दिन आप 1.5 किलोमीटर दौड़िए, सातवें दिन आप 2 किलोमीटर दौड़िए, कल से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 8वें दिन आप क्या कहते हैं 2 किलोमीटर दौड़े, मतलब जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक ये हो सकता है कि आप 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल के लिए, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप कम कम करके दौड़िए, ठीक है, मेल के लिए बता रहा हूँ। तो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप इतनी कैपेसिटी रहेगी कि हाँ आप 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है फ्रेंड्स, ये जो रनिंग होती है इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेमिना, और स्टेमिना एक दिन में नहीं बनती, स्टेमिना डेली प्रैक्टिस करने में बनती है, ठीक है, डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। और फ्रेंड्स अगर आप 21 साल 22 साल 23 साल के हैं, ठीक है, 23 साल के हैं, तो फिजिकल कोई आपके लिए बहुत टफ की बात नहीं है, बिल्कुल दौड़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको बस जब भी आप फ्रेंड्स दौड़ें, जब भी आप रनिंग करें, तो आपको डायरेक्ट फ्रेंड्स ये अपना गोल दिखना चाहिए कि मुझे दौड़ना है, पूरी दम लगाना है, मुझे अपना दम लगाना है और इस गोल में मुझे पहुंचना है, मुझे इस गोल में पहुंचना है, मुझे अगर मेरे 80 आ रहे हैं तो मुझे 80-85 आने, तो मुझे NIA बनना है, NIA की सबसे बढ़िया पोस्ट लेनी है, ठीक है। तो मुझे अगर मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, मेरे 80 नंबर आए हैं, तो मुझे रनिंग करना है, और मुझे ये नहीं है कि मुझे रनिंग में बाद में डिस्क्वालीफाई कर देना है, ऐसा नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर 90 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो गया, रनिंग करना बहुत टफ है फ्रेंड्स, वहाँ आपको चिप लगा दिया जाएगा, वो टाइम दिया जाएगा और उस टाइम पे आपको दौड़ना होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी फ्रेंड्स डाउट होता है
मेरे को आप बिल्कुल मैसेज करिए। अब मैं एक आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये 200 मार्क्स का आया था फ्रेंड, 200 मार्क्स आया था। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, ग्रुप डी में मैंने देखा था कि 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, अब वहाँ भी 25-25 मार्क्स बढ़े थे, ठीक है। तो मेरे पास ये जो प्रूफ है ये 200 मार्क्स का है, लेकिन 25 मार्क्स और 20 मार्क्स नॉर्मली बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता, ठीक है। तो एक प्रूफ मैंने ऑलरेडी कई बार दिखाया है कि 147 रॉ मार्क्स देखिए इसका आया था, एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 का रिजल्ट है, और ये नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मतलब 164 नंबर बढ़े थे, मतलब यहाँ 23 बढ़े थे नंबर, ठीक है। एक और दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, एक और दिखाता हूँ फ्रेंड्स, एक ही ये लगता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसके बाद ये आप समझ सकते हैं, ये सारे जो आपके डाउट है, कोई और भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज करें, और भी किसी रिलेटेड से डाउट हो तो आप सारे डाउट अपने क्लियर करें, ठीक है। एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, गर्ल्स के लिए आज सुबह बनाया था, अब बॉयज के लिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है, हर प्रत्येक स्टेट का बनाया है। मैं इतना ही लास्ट में आपको कहूँगा कि आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर 60 प्लस आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप पीटी के लिए लगभग क्वालिफाई हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, 60 प्लस आ रहे हैं तो आप पीटी निकाल लेंगे, चाहे कोई भी शिफ्ट का हो। फाइनल की बात मैंने बहुत कर ली है, 60 नंबर आएंगे और आप बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। अभी आप अपने पीटी का देखिए, फाइनल देखना, ठीक है। अभी आप अपने पीटी की फोकस करिए, और फ्रेंड्स अच्छा लगे लाइक करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगे फ्रेंड लाइक करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा एसएससी की तरफ से तो मैं देने की कोशिश करूँगा, और आपके नोटिफिकेशन, जो वैकेंसियाँ, जो न्यू वैकेंसियाँ आ रही हैं आगे, जिनका नहीं हो पा रहा, तो उसको वो भी मैं बताता रहता हूँ, जो भी ऑफिशियली आता है तो उसको मैं बताता हूँ। वीडियो को शेयर करें और फ्रेंड्स लाइक करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।